আমি এখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখার জন্য বসে আছি, আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড। এই যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড স্টার্ট হচ্ছে। নিরন্তর তব তক চলতে রহো জব তক লক্ষ্য কো প্রাপ্ত না কর লো। হামারা আজ কা ব্যক্তিত্ব হামারে বিচারো কে আধার পর হি বনা হ্যায়। অতঃ ইস বাত কা ধ্যান রখো কি তুম ক্যা সোচতে হো। शब्द क्षणिक है परंतु विचार काफी समय तक रहते हैं और वे हमें दूर तक ले जाते हैं। आज से अनेकों वर्ष पहले एक महापुरुष द्वारा दिए गए ये विचार, ये उपदेश आज भी किसी हताश को उत्साहित करने में, पिछले हुए को आगे बढ़ाने में और निराश का मनोबल बढ़ाने तथा उनमें नया उत्साह भरने में सक्षम है। आज भी ये विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इन महापुरुष का नाम सर्वविदित है। वे अपने कालजयी सत्कर्मों तथा अवदानों, अपने धार्मिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों तथा अंतर्दृष्टि के लिए सारे संसार में सुपरिचित है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जितना कुछ कहा जाए वो कम ही होगा। उनके जीवन के अनेक पहलू हैं। आइए आज उन्हीं में से कुछ पहलुओं का दिग्दर्शन करते हैं। उनका स्मरण आते ही हमारे दिलो दिमाग पर उनके जीवन की एक सुविख्यात घटना एक चलचित्र की भांति जरूर उभर आती है। 11 सितंबर 1893 का वो दिन जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन को पहली बार संबोधित किया, वो दिन जगत के इतिहास में चिरस्मरणीय हो गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अपने उस सुप्रसिद्ध व्याख्यान के बाद वे समस्त भारतवासियों के साथ साथ सारी दुनिया के दिलों दिमाग में भी छा गए। धर्म महासभा में प्रदत्त उनके व्याख्यानों के माध्यम से ही पहली बार पश्चिम को भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को भलीभांति जानने और समझने का अवसर मिला। इसी घटना के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत की कीर्ति ध्वजा लहरा दी थी। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि उनका यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था? कदम कदम पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे अमेरिका जाने के लिए टिकट बनवाना, यात्रा खर्च की व्यवस्था करना, सम्मेलन में भाग लेने तथा वहां बोलने की अनुमति पाना, ये सब संभव होना अत्यंत मुश्किल था। पर उन्हीं के शब्दों में, संघर्ष जितना कठिन होगा विजय भी उतनी ही शानदार होगी। उनके अपने जीवन में भी ऐसा ही हुआ। स्वामी जी अपने विभिन्न मित्रों के साथ मिलकर मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करने के प्रयास में जुट गए। आखिरकार उनके दृढ़ संकल्प और शुभ चिंतकों के जी तोड़ परिश्रम ने उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा ही दिया। इस शुरुआती संघर्ष की जीत शिकागो के उस धर्म सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में व्यक्त हुई और उनके परिपक्व विचार सुनकर वहां सारे विद्वान चमत्कृत हो गए और श्रोता मंत्रमुग्ध भाव से उनकी बातों का रसास्वादन करते रहे। जब कभी स्वामी जी के इन विशेष मित्रों की बात उठती है तो एक नाम सबसे प्रबल भाव से आता है,
जिनके साथ जुड़ा हुआ उनका घनिष्ठ संबंध आजीवन अटूट बना रहा। उनके ये खास मित्र तथा शिष्य थे खेतड़ी रियासत के राजा अजीत सिंह जी। शेखावत कुल के ये राजा मिलनसार, न्यायप्रिय, कुशल प्रबंधक, पूर्वाग्रह मुक्त होने के साथ साथ विद्वान, कवि तथा भक्त हृदय के भी थे। उनके राज्य में खेतड़ी बहुत फला फूला। वो शिक्षा को अत्यंत अनिवार्य मानते थे। उन्होंने खेतड़ी में शिक्षा विभाग की स्थापना करके वहां की साधारण पाठशाला को जयपुर मंडल के प्रथम हाई स्कूल में परिणत किया। आज ये जयसिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत पाठशाला तथा कई प्राथमिक शालाएं एवं अस्पतालों की भी स्थापना कर उन्होंने खेतड़ी को एक नई दिशा दी। आज भी खेतड़ी के निकट स्थित अजीत निवास बाग, बंद अजीत सागर और बंद अजीत समुद्र उनकी कीर्ति ध्वजा फहरा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अध्याय थे स्वामी विवेकानंद। आइए स्वामी जी द्वारा राजा जी को लिखे गए कुछ पत्रों पर नजर डालते हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है कि इस जीवन में मैं आपको ही अपना एक लौता मित्र समझता हूं। किसी विशेष काल में कुछ विशेष व्यक्तियों का जन्म एक साथ मिलकर कुछ विशेष कार्य करने के उद्देश्य से होता है। अजीत सिंह और मैं दो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने मानव समाज के कल्याण हेतु एक महान कार्य में परस्पर सहयोग करने के लिए जन्म लिया है। मैं उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता और वे मुझसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। ये पिछले जन्म का संबंध है। हम एक दूसरे के सहायक और परिपूरक हैं। स्वामी जी के जीवन में जिन स्थानों तथा व्यक्तियों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं, उनमें खेतड़ी नगर और राजा बहादुर अजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। सोचकर देखिए, जिस घटना से इस घनिष्ठ रिश्ते की शुरुआत हुई, उनके बीच की वो पहली मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। अपने भारत भ्रमण के दौरान जब स्वामी जी माउंट आबू में ठहरे हुए थे, उसी समय राजा बहादुर अजीत सिंह से उनकी पहली मुलाकात और बातें हुई। राजा बहादुर ने स्वामी जी के सामने दो प्रश्न रखे। स्वामी जी, जीवन क्या है? एक अंतर्निहित शक्ति मानो निरंतर अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रही है और बाह्य प्रकृति उसे दबा रही है। प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच जीव के आत्मस्वरूप को अभिव्यक्त करने को जीवन कहते हैं। अच्छा, तो स्वामी जी फिर शिक्षा क्या है? विचारों का स्नायुओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करवाने को शिक्षा कहते हैं। भावों के दृढ़ संस्कारों के रूप में प्रत्येक शिरा और स्नायु में व्याप्त हो जाने को शिक्षा कहते हैं। भावों के दृढ़ संस्कारों के रूप में प्रत्येक शिरा और स्नायु में व्याप्त हो जाने को शिक्षा कहते हैं। जब तक हमें अग्नि की दाहिका शक्ति का बोध नहीं होता, जब तक वह अनुभव हमारे धमनी और मज्जाओं में व्याप्त नहीं होता, तब तक हमें अग्नि का ज्ञान नहीं होता। थोड़ा सा तर्कशास्त्र कंठस्थ कर लेने मात्र से ही
शिक्षा नहीं होती। जो जीवन के साथ मिश्रित हो जाए वही यथार्थ शिक्षा है। प्रश्नों के समुचित उत्तर पाकर सदा के लिए राजा बहादुर स्वामी जी के अनुरागी हो गए और सच कहें तो उनका ये प्रथम परिचय ही एक सुदृढ़ प्रेम के बंधन में परिणत हो गया। राजा बहादुर अजीत सिंह स्वामी जी के व्यक्तित्व तथा विचारों से इतने मुक्त हो गए कि उन्होंने स्वामी जी को खेतड़ी में स्थित अपने महल में आकर कुछ काल निवास करने का आग्रह किया। स्वामी जी राजी हुए और राजा बहादुर के साथ ही यात्रा करके 1891 ईस्वी में ही पहली बार खेतड़ी पधारे। खेतड़ी में आगमन के कुछ ही दिनों बाद राजा अजीत सिंह स्वामी जी से मंत्र दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए और ये गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ एवं मधुर था। स्वामी जी से राजा जी ने भौतिक विज्ञान, रसायन एवं खगोल विज्ञान की शिक्षा ली और स्वामी जी ने खुद खेतड़ी के संस्कृत विद्यालय में अष्टाध्यायी ग्रंथों का अध्ययन भी किया। कहते हैं कि कभी कभी शिक्षक एवं शिष्य खगोलीय विद्याध्ययन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि वे कई रात दूरबीन पर जमे रहते थे और राजस्थान के रहस्यपूर्ण अंधकार में स्वच्छ आकाश का सूक्ष्म परीक्षण किया करते थे। अजीत सिंह एक महान गुणग्राही थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वानों तथा कलाकारों को आश्रय प्राप्त हुआ करता था। वे स्वयं ही एक अति कुशल वीणा वादक थे। उन्होंने अनेक भजन गीत तथा कविताओं की रचना भी की थी। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि स्वामी जी भी एक उच्च कोटि के गायक थे। अतः सहज ही समझा जा सकता है कि ये दोनों महान आत्माएं संगीत के गूढ़ क्षेत्र में भी चर्चाएं किया करती थी। राजा अजीत सिंह द्वारा रचित ठुमरी शैली का ये भजन स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा प्रिय था और वे उसे अक्सर गाया करते थे। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया वैसे ही स्वामी जी वहां से उठकर चले गए। ये देखकर वो गायिका स्वामी जी की असहजता को भांप गई और करुण स्वर में उन्होंने सूरदासी का ही भजन गाया।
मुझे क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ ही नहीं सका। आज से मैं नर नारी और ऊंच नीच के बीच भेदभावों के संस्कारों से मुक्त हो गया हूं। तुम्हारे इस भावपूर्ण भजन ने मेरी आंखों के सामने से अज्ञान के पर्दे को हटा दिया है। अपनी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी कुल 3 बार खेतड़ी पधारे थे। खेतड़ी में उनके 3 बार आगमन में से 1891 में हुई उनकी पहली यात्रा को सानिध्य यात्रा, 1893 में हुई दूसरी को आशीष यात्रा और 1897 में हुई तीसरी यात्रा को अभिनंदन यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी पहली यात्रा की झलक हम शुरुआत में ही पा चुके हैं। 1893 में राजकुमार जयसिंह के जन्म का उत्सव था। शेखावटी में पहले कभी किसी ने ऐसा समारोह नहीं देखा था। खेतड़ी के राजप्रासाद में बड़ी धूम मची हुई थी। अनेक राजाओं तथा नवाबों के साथ ही साथ वहां विद्वानों, संगीतज्ञों, कवियों तथा याचकों का भी जमावड़ा एकत्र हुआ था। राजा जी के लिए ये सारा उत्सव बिना स्वामी जी के अधूरा सा था। अतः उनके आग्रह करने पर स्वामी जी इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होने को तथा नन्हे से कुमार को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने खेतड़ी पधारे। ये थी उनकी दूसरी खेतड़ी यात्रा। उन दोनों स्वामी जी अमेरिका जाने की तैयारी में व्यस्त थे, तो भी वे राजा जी का सप्रेम आग्रह टाल नहीं सके। इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच स्वामी जी की अमेरिका यात्रा विषयक कुछ कठिनाइयों पर भी चर्चा हुई। स्वामी जी हमेशा कहते थे, एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। राजा जी ने अपने मित्र की इस चुनौती, इस वित्तीय अभाव को समझते हुए स्वेच्छापूर्वक अपने गुरुदेव की इस यात्रा की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अपनी सेवा प्रदान की। शायद इसी कारण स्वामी जी ने अपने एक पत्र में ऐसा लिखा था, भारत के कल्याण हेतु मैं जो थोड़ा बहुत कर सका हूं, यदि राजा जी से मेरी भेंट नहीं हुई होती तो मैं वह सब नहीं कर पाता। खेतड़ी नगरवासी स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा, प्रीत तथा सम्मान का भाव रखते थे। वे राजा जी के साथ जैसा स्नेहपूर्ण आचरण करते थे, वैसा ही उनका वहां के सभी लोगों के साथ प्रेम संबंध जुड़ गया था। 1897 ईस्वी के 12 दिसंबर का दिन खेतड़ी के लिए एक बड़ा ही स्मरणीय दिन बन गया। इस दिन स्वामी जी ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटने के बाद खेतड़ी पधारे और ये थी अभिनंदन से भरी उनकी तीसरी खेतड़ी यात्रा। उस समय पूरा खेतड़ी नगर उत्साह और आनंद से मतवाला हो गया था। ये गरिमामय हर्षोल्लास के मध्य मरुस्थल में आध्यात्मिक प्रेरणा की धारा बहाना मानो उनकी तीसरी खेतड़ी यात्रा का नैसर्गिक विधान था। उनके स्वागत में भोपालगढ़, फतेह विलास महल, सुख महल के साथ पूरा खेतड़ी देसी घी के दीपकों से जगमगा उठा। 12 दिसंबर 1897 को खेतड़ी के पन्ना लाल शाह तालाब पर प्रीति भोज देकर स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया। 2011 से लेकर आज तक 12 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिवस खेतड़ी में खेतड़ी विरासत दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है।
लज्जा के दौरान स्वामी जी कई नामों से जाने गए, विविदिशानंद, विवेकानंद, सच्चिदानंद। क्या आप जानते हैं कि स्वामी जी जिस विवेकानंद नाम से विश्व में ख्यात हुए, वो नाम उन्होंने कब और कैसे धारण किया? जो भगवा पगड़ी और वस्त्र भी पहनते थे, क्या उसके पीछे के वर्तंत से आप परिचित हैं? स्वामी जी, आपका नाम बड़ा कठिन है। बिना टीकाकार की सहायता के किसी भी साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता, और इसका उच्चारण भी सहज नहीं। और इसके अतिरिक्त अब तो आपका विविदिशा काल भी समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो फिर राजा जी आप ही बताइए, आपको कौन सा नाम पसंद है? मेरी समझ में आपके योग्य एक नाम है, विवेकानंद। पुण्य भारत की धरा पर ज्ञान के सिंधु समान। और यूं अपने मित्र के अनुरोध पर स्वामी जी ने विवेकानंद नाम धारण किया। ये नाम कितना प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और विलुप्त हुआ, इस तथ्य से हम भली भांति परिचित हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी ये प्रतिष्ठित छवि, ये पगड़ी भी उन्होंने खेतड़ी नरेश राजा बहादुर अजीत सिंह के आग्रह पर ही धारण की। आज उनका राजस्थानी पगड़ी वाला चित्र और विवेकानंद नाम स्वामी जी की पहचान बन चुकी है। ये मित्रता, ये संबंध सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं था। एक समय था जब स्वामी जी दो संसारों के बीच खड़े थे। एक ओर था माता और भ्राता गण का भरण पोषण, और दूसरी ओर थे महापुरुष के विचार, विश्व कल्याण। इन दोनों के बीच जूझते स्वामी जी की दुविधा को उनके मित्र अजीत सिंह भली भांति भांप गए, और उन्होंने आजीवन स्वामी जी के परिवार की आर्थिक सहायता और देखभाल कर न सिर्फ एक मित्र होने का, बल्कि एक परिवारजन होने का भी धर्म बखूबी निभाया। सच मानिए तो खेतड़ी, उनके यहां बिताए गए समय, यहां घटी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी ये तीन यात्राओं से एक पवित्र स्थान बन गया, जहां उनकी सीख, नेतृत्व और दिखाई गई दिशा से आध्यात्मिक और जनसेवा कार्य शुरू हुए। उनके द्वारा स्थापित जन सेवा भावी संगठन रामकृष्ण मिशन की राजस्थान की सर्वप्रथम शाखा विवेकानंद स्मृति मंदिर खेतड़ी में राजा अजीत सिंह के पौत्र राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा प्रारंभ करवाई गई, जहां आज कई कल्याणकारी और धार्मिक गतिविधियां होती हैं। स्वामी जी की स्मृति से परिपूर्ण ये जगह, जहां वे अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान ठहरा करते थे, वहां अजीत विवेक संग्रहालय स्थापित किया गया। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान स्वामी जी अक्सर यही ठहरा करते थे, और यहीं पर राजा जी के साथ उनकी आध्यात्मिक चर्चाएं भी हुआ करती थी। इसी कक्ष को आगे चलकर ध्यान कक्ष में परिवर्तित किया गया। इन दोनों महान आत्माओं द्वारा एक दूसरे को लिखे गए अनेक पत्र उनकी इस अनूठी आत्मीयता के साक्षी हैं। ये पत्र आज भी बेलूर रामकृष्ण मिशन संग्रहालय में सजो कर रखे गए हैं। आज जिस धरती पर आप बैठे हैं, वो धरती एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसे गुरु शिष्य संबंध की जीवंत गवाह रही है, जो न केवल खेतड़ी वासियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का एक महान केंद्र है। इस अटूट संबंध की अनेक गाथाएं
खेतड़ी वासियों की केवल जुबान पर नहीं बल्कि हृदय में भी सहज बसी है। यहाँ का चप्पा चप्पा, हर गली गलियारा चौराहा माल, हर हृदय स्वामी जी की स्मृति से परिपूर्ण है। ये कैसा अनूठा संबंध था, ये कैसा घनिष्ठ नाता था, जहां एक की दुविधा दूसरा बिना कहे समझ जाता था। सलाहकार हुए, गुरु शिष्य हुए, परिपूरक या फिर मित्र हुए, कुछ रिश्ते नाते सच मानो बिना नाम दिए ही अमर हुए। नजर उठाकर देखो खेतड़ी के इस काले नीले आसमान में दो तारे जरूर दिखेंगे तुम्हें, चमचमाते एक दूसरे के साथ में। हाँ, यही है वो दो पराक्रमी आत्माएं, यही है वो ओज जो बिन कुछ कहे चुपचाप वहां से फैला रही है खेतड़ी की इस तरह पर।